फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृतीज डू एट होम। मैं हूँ जागृति। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ लो बेक थ्री लेयर्ड जेली केक, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस को आप इजीली देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जेली केक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक पैकेट ग्लूकोज बिस्किट और 1/4 कप बटर ले लेंगे। और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयल करके, और इन दो इंग्रेडिएंट से हमारी पहली लेयर बनेगी। तो इसके बाद एक कप दूध लेंगे, लगभग 3 टेबलस्पून चीनी ले लेंगे और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे, 1 चम्मच जिलेटिन पाउडर, और इन सब से हमारी दूसरी लेयर तैयार होगी। फाइनली हम थर्ड लेयर के लिए यूज करेंगे ये पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल, जो कि मार्केट में अलग अलग फ्लेवर में इजीली अवेलेबल है। बस इसे हमें इसके पीछे लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली लेयर बनाना। तो पहली लेयर के लिए हम बिस्किट को ब्लेंडर में चर्न कर लेंगे। तो ये हमारा जो पाउडर है बिस्किट का, वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें मेल्ट किया हुआ बटर मिक्स करेंगे, मिला देंगे अच्छे से। और अब हम एक बाउल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बाउल लिया है, आप चाहें तो कोई भी बाउल यूज कर सकती हैं। तो पहले मैंने यहाँ बटर से इसको ग्रीस कर लिया है नीचे से, और वो जो हमारा फर्स्ट लेयर है जो हमारी, वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छे से दबाते हुए इसको चारों तरफ फैला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए मैंने इसको फैला लिया। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, तो ये सेट होके तैयार हो जाएगा। तब तक हम दूसरी लेयर तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने दूध को गैस पे चढ़ा दिया है, उसको गर्म होने दूंगी। तो दूध गर्म होने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। और इधर हम एक बाउल में ठंडा दूध लेंगे करीब 1/2 कप, और उसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिक्स करेंगे जो गैस पे पड़ा हुआ है। तो जो कस्टर्ड पाउडर का घोल है वो दूध से मिला देंगे हम, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसको गाढ़ा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कस्टर्ड है वो गाढ़ा होने लग गया है। तो एक उबाल आने देंगे इसमें और उसको नीचे उतार लेंगे। तो कस्टर्ड को मैंने नीचे उतार लिया है, और मैंने 1 चम्मच जिलेटिन में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको घोल लिया था, और यहाँ पे मैं इसको मिला दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको, और इस कस्टर्ड को हम 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और फिर इसकी लेयर तैयार करेंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया थोड़ा सा, और अब हम इस पे दूसरी लेयर सेट करेंगे। तो इस कस्टर्ड को मैं इस लेयर पे डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से डाल देंगे और इसको चारों तरफ फैलाकर फिर से फ्रिज में हम रखेंगे इसको करीब 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो लास्ट एंड फाइनल लेयर बनाने के लिए हमें जस्ट इसके पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसमें 2 पैकेट निकले हैं, दोनों पैकेट को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे, और यहाँ मैंने 500 ml पानी लिया है और उसे उबालना चढ़ा दिया है। पानी उबलने के बाद इसे मैं नीचे उतार लूंगी। और अब हम इसमें वो मिक्सचर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे हम करीब 1/2 घंटे के लिए।
आधा घंटा हो गया है और अब हम फ्रीज से ये बाउल निकाल लेंगे और जेली को इस पर चम्मच को उल्टा करके इस तरह से डालेंगे। देखिए, ये देखिए इस तरह से डालेंगे। सीधे जेली को ना डालें, नहीं तो हो सकता है कि जेली डालते टाइम कस्टर्ड की लेयर खराब हो जाए। तो हल्के हल्के इस तरह से जेली को हम इसमें पोर कर देंगे। अब हम इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो लीजिए, हमारा 3 लेयर्ड जेली केक तैयार है। इसे आप क्रीम से डेकोरेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।